विभाग में काम करने वाले 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक मेरा भाई बहनों, हम आज बहुत दुख से, दिल से बहुत मेरा दुख है। मुझे समझ में नहीं आता है भारत सरकार की मिनिस्ट्री है कि नहीं, क्योंकि 3 सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर बची हुई है, उसमें डाक विभाग है। डाक विभाग में 50% से ज्यादा गांव-गांव में काम करने वाला, उनका नाम अर्लियर था एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, आज है ग्रामीण डाक सेवक। 24/11/2016 को सेम टू दी पैरालाल पे कमीशन का रिपोर्ट कमलेश जी गवर्नमेंट को दिया है। हमने बहुत कोशिश किया था, जान देने के लिए तैयार था, अमरण अनुशन किया था। डाक विभाग की 160 साल की इतिहास में पहली बार हुआ, सेक्रेटरी पोस्ट अनंत नारायण नंदा जी मेरा आमरण अनुशन तुड़वाया था, ये वादा करके जीडीएस कमेटी एज इट इज लागू होगा। उसके बाद बहुत दिन गुजर गया, 5 जनवरी 2018 हमने मेरा मिनिस्टर मनोज सिन्हा जी को साथ मुलाकात किया, जिनमें उपस्थित थे बीपीए ग्रुप सी की जनरल सेक्रेटरी एमएस चंदेल, बीपीए पोस्टमैन एमपीएस की जनरल सेक्रेटरी एसएस यादव, सिविल विंग की जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बलराम पांडे, डीएपी की जनरल सेक्रेटरी संजय सिन्हा, सर्वोपरि उपस्थित थे मेरा फेडरेशन की मुखिया महामंत्री संतोष कुमार सिंह। मनोज सिन्हा जी मुझे वचन दिया था नेक्स्ट कैबिनेट में जीडीएस कमेटी लागू होगा, सारे देश को हमने ये जानकारी दिया था, हम झूठा साबित हो गया। मनोज सिन्हा अभी भी मिनिस्टर है, झूठ बोलने वाला मिनिस्टर मनोज सिन्हा जी अभी भी मिनिस्ट्री में है। मोदी जी को, अमित शाह जी को, मनोज सिन्हा जी को जवाब देना नहीं पड़ता है, मुझे जवाब देना पड़ता है। हम हिंदी जानता नहीं, क्योंकि हम बंगाल की है, हम जो दिल से बोलना चाहते हैं उसका उल्टा मीनिंग हो जाता है। आज के दिन में सोशल मीडिया नाम की सस्ता फुटपाथ वाला, किसी को गिराने के लिए, किसी को उठाने के लिए उल्टा सीधा प्रचार प्रसार कर रहा है। अरे सोर्स कैसे मिला? सोर्स मेरा बड़ा भाई आज देश के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने झूठ बोल बोल के 4 साल बीत गया है उनका। सारे ऑफिसर डाक विभाग का जीडीएस का ऊपर शोषण चला रहा है टारगेट के नाम में, वो आदमी सोचता नहीं है जीडीएस कितना रोष में है, कितना नाराजी है जीडीएस की। हम डाक विभाग को बचाने वाला एम्प्लॉय के नाम होता है ग्रामीण डाक सेवक, जो 65% रेवेन्यू दे रहा है, उनके लिए क्या क्या मेरा बड़ा भाई। देश सम्राट अकबर की बात, देश में एक ही प्राइम मिनिस्टर आया था जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, बट ही नेवर कम सेकेंड टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाई? उन्होंने 1% डीए दिया था एम्प्लॉय को। मेरा बड़ा भाई, आपको हम ये याद दिलाना चाहते हैं, 2019 में आप फिर सत्ता में आना चाहते हैं तो 28 फरवरी की अंदर जीडीएस कमेटी लागू करो, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए। और
डाक विभाग में काम करने वाला जीडीएस आप खुद नहीं चाहते हैं जीडीएस कमेटी लागू हो, नहीं तो झूठा आदमी, बायास आदमी, पॉलिटिकल आदमी एसएस महादेवैया, एनएफपी जो दलाल कम्युनिस्ट का है, एफएनपीओ जिसका कोई पितृ परिचय नहीं है उसका पीछे आप क्यों है? 2009 हमने जब जनरल सेक्रेटरी बना है उस दिन से हम ये सोच के आया था, दिल से जान की कुर्बानी देके मेरा सेक्रेटरी जनरल संतोष कुमार सिंह और हम जीडीएस को बचाने के लिए, जीडीएस को पैसा कमाने के, खेती बनाने वाला आदमी से बचाने के लिए हमने जो कोशिश कर रहा है, खुद जीडीएस नहीं चाहता है वो बचने के लिए, नहीं तो क्यों महादेवय का साथ वो है, क्यों नेशनल का साथ वो है, क्यों एनएफपी का साथ वो है? खाली फोन आप लगा दिया, हिंदी में कमजोरी आदमी हम है, जो हम दिल से बोलना चाहते हैं उसका उल्टा भाषण हो जाता है। मुझे गिराने के लिए, मेरा सेक्रेटरी जनरल को छोटा बनाने के लिए काम जो कर रहा है उसको चेतावनी देना चाहते हैं। आज तक जीडीएस के लिए मेरा फेडरेशन जो किया उसके बराबर काम करने वाला कोई माई की लाल एनएफपी एफएनपीओ सामने खड़ा हो, हम दिखा देंगे हम क्या क्या, तुम क्या क्या, क्या ड्रामाबाजी किया। महादेवैया 19 तारीख से काला फीता बांधने के लिए सारे देश को जानकारी दिया, जो बीएमएस बहुत पहले निर्णय ले चुका है। 20 तारीख सारे देश में काला फीता बांध के ड्यूटी होगा। 28 तारीख के अंदर जीडीएस कमेटी लागू नहीं होगा तो 129,346 बीओ में काम करने वाला जीडीएस ये प्रचार प्रसार करेगा, ये गवर्नमेंट झूठा है, ये गवर्नमेंट ड्रामा है, ये गवर्नमेंट बायास है, ये गवर्नमेंट को हटाओ, देश बचाओ, जीडीएस को सुरक्षित करो। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।